सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बैठ जाइए अपनी सीट पर। क्लास 6 साइंस कक्षा 6 विषय विज्ञान को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करते हैं और साइंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनकी हम बात करते हैं इस क्लास में। तो आप लोग अपनी सीट पर बैठ जाइए, जो बच्चे अभी तक बैठे नहीं हैं और जो बैठ चुके हैं अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए। हमने पिछली क्लासेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करा था, आज भी हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सब लोग रेडी हो जाइए, इधर उधर कोई भी नहीं देखेगा, कोई भी बच्चा बातें नहीं करेगा। जब आपसे पूछा जाए तो आप आंसर देना, ठीक है। आपको अगर कोई चीज़ का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, जो चीज़ यहाँ से बताई जाएगी वो सबको समझनी है, जब आपको बोला जाएगा तब आपको लिखना भी है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो इधर उधर कोई भी नहीं देखेगा, सामने ध्यान देंगे स्क्रीन पर, और जो कुछ भी यहाँ से बताया जा रहा है उसको समझने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आपसे हम बातचीत करते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे, तो कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा, ठीक है। साथ ही साथ सामने स्क्रीन पर देखना है, बातें नहीं करनी है, गप्पे नहीं मारनी है। आपको जो है आपके क्लास में कैमरा लगा हुआ है, हर एक बच्चे को हम यहाँ से नोट करते हैं मूवमेंट, और आपके प्रिंसिपल सर को आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाती है। जो बच्चा शैतानी करेगा हम कुछ नहीं बोलेंगे, सीधे उसकी शिकायत प्रिंसिपल सर के पास हो जाएगी या मैडम के पास हो जाएगी। तो ध्यान पूरा क्लास में रखना। हम चलते हैं आगे की बातों के लिए व्हाइट बोर्ड की। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके सामने एक दो क्वेश्चंस रखेंगे, ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन, ठीक है, और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो आप लोग रेडी हो जाइए, जो भी बच्चा आंसर देना चाहेगा हाथ खड़े करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन, पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर वन है, जीव कितने प्रकार के होते हैं के होते हैं, चलो बताओ जीव कितने प्रकार के होते हैं, हाथ खड़े करेंगे। जीव कितने प्रकार के होते हैं? जीआईसी अमोली से हाथ खड़े हो रहे हैं, बताइए बच्चों जीव कितने प्रकार के होते हैं, कौन बच्चा देगा आंसर? माइक ऑन है आपका, माइक को ऑन कीजिए और बताइए बच्चे अपना नाम बताइए पहले। पिछली क्लास में पढ़ा होगा आपने ना, इसी क्लास में पढ़ा होगा क्या पता। दो प्रकार के होते हैं जीव, बताइए बच्चों जल्दी से बताइए। कौन बताएगा, कौन बताएगा, जल्दी कीजिए। जीटीआईसी रामनगर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है बच्चों? अगर आवाज सुनाई दे रही तो हाथ खड़े करो। जीडीआईसी रामनगर, बच्चों अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो हाथ खड़े करो एक बार। जीजीआईसी रामनगर या जीजीआईसी रामनगर, ठीक है, जीआईसी अमोदी को सुनाई दे रही है। जीजीआईसी रामनगर, बच्चों अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो हाथ खड़े करो एक बार, ठीक है, गुड, सुनाई दे रही है। अब ये क्वेश्चन हमने यहां पर रखा है, हाथ नीचे। जीव दो प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा इसको, कौन कौन से, कौन कौन से होते हैं? एक तो सजीव होते हैं और एक निर्जीव होते हैं, है ना। वस्तुएं बोलते हैं, वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स। चलिए इसके बाद बताएंगे सजीव और निर्जीवों में क्या अंतर है। सजीव कौन कौन होते हैं इनके उदाहरण बताएंगे, और निर्जीव कौन कौन होते हैं इनके उदाहरण बताएंगे। चलो कौन बच्चा बताएगा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कौन बताएगा जरा हाथ खड़े करें, कौन बताएगा? जीजीआईसी रामनगर, ओके, जीआईसी अमोदी, माइक ले लीजिए बच्चों, जो भी बात, जो भी बच्चा बताएगा जीजीआईसी रामनगर, इसके बाद रेडी रहें, माइक ले लीजिए बच्चों, जीआईसी अमोदी से बताइए सजीव और निर्जीव के उदाहरण। माइक को ऑन कर लीजिए पूरा, कौन बच्चा बताएगा दो उदाहरण सजीव के और दो उदाहरण निर्जीव के, बताइए बच्चों। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए आपको घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, ठीक है, और बहुत ही आराम से आपको इन क्वेश्चन का, जब आप इन क्वेश्चन के आंसर देंगे तो तब हम धीरे धीरे बातों को आगे बढ़ाएंगे, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, सारे बच्चे जो है आंसर देते हैं यहाँ पर, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है,
दो सजीव के नाम, दो निर्जीव के नाम बताने हैं आपने, सबको ही पता होगा, मैक्सिमम बच्चों को तो पता ही होगा, कोई बताएगा? लास्ट चांस, हाथ खड़े करें एक बार, कोई भी बच्चा। देखो आप डरो मत, मुझे लग रहा है आप लोग डर रहे हैं, डरना और घबराना बिल्कुल नहीं है। चलिए बताइए, कौन बच्चा बताएगा एक बार, लास्ट लास्ट चांस, कौन बताएगा? हाथ खड़े करो जो बताना चाहता है, जल्दी से माइक ले लीजिए, जो भी बताना चाहता है माइक को ऑन कीजिए, आपका माइक अनम्यूट करा हुआ है यहाँ से, आप उसमें बोल सकते हैं। चलो चलिए, एक ये आंसर भी मैं बता देता हूँ, मनुष्य यानी कि ह्यूमन हो गया, प्लांट्स हो गया, पेड़ पौधे, ठीक है, एटसेट्रा, दो उदाहरण बताने थे, और नॉन लिविंग के एग्जाम्पल हो गया हमारा टेबल हो गया और कोई पत्थर हो गया स्टोन। ह्यूमन मतलब मनुष्य, प्लांट्स मतलब पौधे, टेबल मतलब मेज और स्टोन मतलब पत्थर, ठीक है। सजीव और निर्जीव वस्तुएं हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो जीवित हैं, मतलब कि जिनको जिंदा रहने के लिए अलग अलग प्रक्रमों की आवश्यकता पड़ती है, अलग अलग प्रोसेस की, वो खाना खाएंगे, चलेंगे फिरेंगे, है ना, उनको हम सजीव कहेंगे। जो ना तो खाना खाते हैं ना चलते फिरते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मनुष्य जो है ये खाना खाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं अपना, चलते फिरते हैं, काम करते हैं, ठीक है, हम क्या हो गए? हम सजीव हो गए, लिविंग बींग्स हो गए। इसके साथ ही प्लांट्स हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये चलते फिरते तो नहीं है, पेड़ तो जहां पर है वहीं पर रहता है ना, चलता तो नहीं है, लेकिन वो खाना अपना बनाता है और खाना खाता है, इसीलिए तो बड़ा होता है। छोटा सा पेड़ बड़ा कैसे होता है? अपना खाना बनाता है, खाता है, ठीक है। तो इसीलिए पौधे भी क्या हो गए? सजीव हो गए। अब मेज कुर्सी को देखो, मेज जिस जगह पर पड़ी रहेगी उसी जगह पर पड़ी रहेगी सालों साल, उसको अगर कोई उठा करके ना रखे तो वो वहीं पर रहेगी, और ना ही वो बड़ी होती है ना ही वो छोटी होती है, तो मेज क्या हो गया? निर्जीव। इसके अलावा पत्थर देखो, पत्थर अगर कहीं पर पड़ा होगा तो वहीं पर पड़ा रहेगा, है ना, वो ना तो बड़ा होता है ना छोटा होता है, और ना ही वो अपना भोजन बनाता है। तो इस तरीके से जो अपना भोजन बनाते हैं, जिनको खाने पीने की आवश्यकता पड़ती है, वो हो गए सजीव, और जो खाते पीते नहीं है, जो एक ही जगह पर रहते हैं, वो हो गए निर्जीव। शॉर्ट टर्म में सजीव को हम कहते हैं लिविंग बींग्स और निर्जीव को हम कहते हैं नॉन लिविंग बींग्स। अब एक आसान सा क्वेश्चन है, एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर दें। हमें जिंदा रहने के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है? चलिए बताइए, कौन सी चीज ऐसी है जिसके बिना हम जिंदा रह ही नहीं सकते? बताओ, कौन बताएगा? हाथ खड़े करो, कौन बताएगा? हाथ खड़े कीजिए अपने अपने। जीआईसी अमोदी से बहुत सारे बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं, माइक लीजिए बच्चों, इससे पहले भी आपने हाथ खड़ा करा है, माइक लीजिए और बताइए। जीजीआईसी रामनगर, माइक ले लीजिए बच्चे हाथ में और माइक को ऑन कर लीजिए पूरा। जीआईसी अमोदी, बच्चे आंसर बताइए आप, ठीक है, बोलिए बेटा, नाम बोलिए अपना। आमना। जीजीआईसी रामनगर से आमना है आपका नाम, ऑक्सीजन, गुड। नाम बताइए बच्चे अपना, आपने अभी अपना नाम बताया था। क्या नाम बताया आपने अपना? आमना। आमना, तो आमना ने रामनगर से आंसर दिया है। देखो जो बच्चे आंसर देते हैं, आमना अपने नाम की स्पेलिंग बोलिए। ठीक लिखा है ना मैंने? ठीक है, तो जो बच्चे आंसर देते हैं उनका हम यहाँ नाम लिखते हैं, ठीक है, और उनका नाम जो है 500 स्कूल के बच्चे, टीचर, सब लोग देख रहे हैं अभी आपको। बैठ जाओ बच्चे, वेरी गुड आमना, बैठ जाइए। आमना ने बताया ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है हमें जिंदा रहने के लिए। बैठ जाओ बच्चे, वेरी गुड। और कोई बताएगा? जीआईसी अमोदी से भी बता रहे थे बच्चे, कौन बताएगा? जीआईसी अमोदी से माइक को ऑन कर लीजिए अपना, खड़े हो जाइए अपनी सीट पर। जीआईसी अमोदी, हमें देखो जीवित रहने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। हमें किस किस चीज की जरूरत होती है? हमें खाने पीने की जरूरत होती है, खाना चाहिए होता है भाई हमें, खाना नहीं मिलेगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। पानी चाहिए होता है, ठीक है, पानी नहीं मिलेगा तो हम फिर से जिंदा नहीं रह पाएंगे, है ना।
हमारे जो आसपास का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, अगर ये हमारे रहने लायक नहीं होगा तो हम नहीं रह पाएंगे जिंदा। लोग कहाँ पर रहते हैं? तो हमारे सौरमंडल में 8 प्लैनेट्स है, 8 ग्रह हैं। 8 प्लैनेट्स में से सिर्फ एक ही प्लैनेट पर, अर्थ पर ही लोग रहते हैं, बाकी प्लैनेट्स पर नहीं रहते। क्यों नहीं रहते, कभी सोचा आपने? क्योंकि वहां पर इंसान के रहने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, जो डिजायरेबल सिचुएशन हैं, वो नहीं है। तो हमारे आसपास की जो परिस्थितियां हैं वो भी होनी चाहिए, तब भी हम जिंदा रह सकते हैं। तो मेनली अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो तीन शाम को आपको भूख लगेगी, एक दिन दो दिन, ठीक है, उसके बाद आपकी तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी। पानी नहीं पिएंगे तो 4-5 घंटे बाद आपको, एक दिन बाद आपको प्यास लगनी बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी, अगर आप सांस नहीं ले पाएंगे, तो कुछ ही देर में आपकी हालत जो है बहुत खराब हो जाएगी। 1 मिनट भी आप बिना ऑक्सीजन के, 10 सेकंड भी आप बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो गया हमारे लिए? सबसे ज्यादा जरूरी हो गया ऑक्सीजन, जिसको हम अपनी सांस के अंदर लेते हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सांस से बाहर छोड़ते हैं। तो अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? हमें जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो है ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन कहाँ होती है, ये ऑक्सीजन हमें मिलती कहां से है, ये कौन बताएगा? ये ऑक्सीजन हमें मिलती कहां से है, कहां पर होती है, कौन बताएगा? ओके बताइए, जीजीआईसी रामनगर से बताइए बेटा। पेड़ों से, ओके बेटा, वेरी गुड। पेड़ों से मतलब ट्रीज से, पेड़ों से। क्या नाम है बच्चे आपका? उमामा सिद्दीक। उमामा, नाम बताइए अपना, स्पेलिंग बताइए, सॉरी। UMAMA एंड सिद्दीकी SIDDIQA IQI ना, ऐसे लिखते हैं ना, IQA QA, ओके वेरी गुड बच्चे, सिद्दीका, वेरी गुड, बैठ जाइए बच्चे। तो जीजीआईसी रामनगर के बच्चों ने, आमना और उमामा ने हमें बताया कि हमें जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन हमें मिलती है पेड़ों से। अब आज की क्लास को हम करते हैं स्टार्ट, और आज की क्लास में हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है बच्चों, वो इसी चीज के ऊपर रहने वाला है। बच्चों हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो हमारे आसपास की वायु से मिलती है, हमारे आसपास की एयर से मिलती है। हमें ये एयर दिखाई नहीं देती। आपको अपने आसपास एयर दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही है, पर एयर के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है हमारे चारों तरफ हैं, उसमें ही ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन के अलावा अदर गैसेस भी हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे, और उस एयर में से, उस वायु में से हम इस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। अगर हमारे चारों तरफ एयर नहीं होगी तो हम ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। मतलब ये ऑक्सीजन किस में रहती है हमारे चारों तरफ? ये ऑक्सीजन हमारे चारों तरफ रहती है एयर में, वायु में। और आज हमको अपने चारों तरफ जो ये वायु रहती है, जो हमें दिखाई नहीं देती, हमें दिखाई नहीं दे रही है ना, हमारे आजू बाजू वायु, आपके दोस्त आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना, सारी चीजें आप, लेकिन वायु दिखाई नहीं दे रही है। तो जो हमारे चारों तरफ वायु होती है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है, उसमें ये ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, और वहां से ही हम इसे इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं। ये समझ में आ गया? तो आज का हमारा चैप्टर है एयर अराउंड अस। तो चैप्टर की हेडिंग डालेंगे और ध्यान सामने स्क्रीन पर बना कर रखेंगे। अब हम चल रहे हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए बच्चों, तो चैप्टर की हेडिंग डाल देंगे सभी बच्चे, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चैप्टर नंबर 14 है आपकी बुक का, सॉरी 15 है आपकी बुक का, एयर अराउंड अस। क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर नंबर 15, एयर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ की एयर, वायु, इसके ऊपर हमको बात करनी है। तो चैप्टर की हेडिंग डालेंगे एयर अराउंड अस। तो चलिए बच्चों, आपने इनमें से 3-4 चीजों को तो देखा ही होगा। हमने जब हमारे छत में कपड़े सूख रहे रहते हैं और उन कपड़ों पर छत में कभी तेज हवा चलती है तो वो कपड़े जो हैं उड़ने लगते हैं, वो कपड़े जो हैं उड़ने लगते हैं। इसके अलावा जैसे ही हम किसी पेज, किसी बुक को खोलते हैं और तेज पंखा चल रहा रहता है, तो बुक के जो पेजेस हैं
वो उड़ने लगते हैं, एक के बाद एक उड़ने लगते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, आप में से कई बच्चों ने इस चीज को देखा है? क्या आपने इस चीज को देखा है? इसे हम क्या नाम देते हैं बताइए, ये क्या चीज है? इसे हम कहते हैं फिरकी। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं फिरकी। और ये फिरकी आपने देखी होगी, जब हवा चलती है तेज तो ये फिरकी ऐसे घूमती है गोल 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 गोल, है ना, सभी बच्चों ने देखा होगा ये हो, ठीक है। तो इस क्लास में आपको सबसे पहले फिरकी बनाना भी सिखाएंगे। फिरकी किस तरीके से बनानी है उसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है, ठीक है। देखो आपकी बुक में लिखी है एक्टिविटी नंबर 1, लेट अस मेक अ फिरकी ऑफ आवर ओन, ठीक है। हमको एक अपनी फिरकी बनानी है, कैसे बनानी है देखो जरा। हमको क्या करना है, सबसे पहले होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ एन ओपन एरिया। हमको क्या करना है, एक हमको स्टिक पकड़नी है, ठीक है, एक लकड़ी पकड़नी है फिरकी की, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या करना है, उसको एक खुले क्षेत्र में डिफरेंट डायरेक्शंस में रखना है, ठीक है। इसके बाद आफ्टर दैट हमको ये करना है, आफ्टर दैट हमको एक पेज लेना है, पेपर लेना है, और उसके बाद हमको इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि फोल्ड करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारी फिरकी जो है वो इस तरीके से बन चुकी है, और उसको फिर लकड़ी में हम इस तरीके से चिपका देंगे। जो हमारे पास स्टिक होगी, जो लकड़ी होगी, उसमें इस तरीके से हम उसे चिपका देंगे, ठीक है। हमको क्या करना है, जब हम इसको तेज हवा में ले जाएंगे तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये फिरकी जो है घूम रही है, ये फिरकी क्या हो रही है, घूम रही है, ठीक है। और ये कैसे घूम रही है, ये हमें पता है किसकी वजह से घूम रही है, इसको घुमाने वाला कौन है, एयर, इसको घुमाने वाली कौन है, हवा। अगर हवा नहीं रहेगी तो ये फिरकी नहीं घूमेगी, अगर हवा नहीं रहेगी तो ये फिरकी नहीं घूमेगी। इसी पर बेस्ड, इसी बात पर आधारित हमारे पास एक दूसरा उपकरण होता है, इसे हम नाम देते हैं वेदर कॉक। इसे हम क्या नाम देते हैं, वेदर कॉक। वेदर कॉक मतलब हमको मौसम बताने वाला मुर्गा, वेदर कॉक, ठीक है, वेदर कॉक। तो इस वेदर कॉक में आप देख रहे हैं एक एरो लगा है, एक तरफ क्या लगा है, तीर लगा हुआ है, ठीक है। और ये मुर्गा जो है इस पर जब हवा चढ़ती है तो ये मुर्गा ऐसे गोल गोल घूमता है, जिधर ये घूमेगा उधर की तरफ ये तीर भी घूमेगा, और हमको इस तीर के हिसाब से पता लग जाएगा कि हवा की डायरेक्शन क्या है, समझ रहे आप। तो ये है वेदर कॉक। वेदर कॉक क्या करता है, वेदर कॉक हमको वेदर की इंफॉर्मेशन देता है, किसकी इंफॉर्मेशन देता है, मौसम की जानकारी देता है। ठीक है, अब आज घर जाकर के आप कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल करोगे। क्या आप में से किसी बच्चे ने कभी ये काम किया है, देखो ये देखिए, इसको समझिए जरा, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और आप में से कितने बच्चों ने ये काम करा है बताओ, कितने बच्चों ने ये काम करा है जरा हाथ खड़े करके बताना, कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, कितने बच्चों ने करा है जरा हाथ खड़े करो। ठीक है, गुड, हाथ नीचे कर दीजिए। तो हमने देखा है कई बार कि जब हम किसी भारी बाल्टी में, भरी हुई बाल्टी में कोई खाली बर्तन डालते हैं तो वो उसमें बुलबुले उठते हैं, ऐसी बुलबुले उठते हैं और उसमें आवाज भी आती है ना। ये देखो क्या हो रहा है, बुलबुले उठ रहे हैं। आपने क्या करा इसमें, ये कैसी बोतल थी, ये एम्प्टी बोतल थी, खाली बोतल थी, कैसी बोतल थी भाई, ये एम्प्टी थी, खाली बोतल थी। आपने क्या करा, इस खाली बोतल को पानी में डाला, उल्टा डालना है, ठीक है। और पानी में उल्टा डालने के बाद आपने इसको देखो, अभी ऐसे आपने कैसे डाला, इसको बिल्कुल सीधा डाला, और अभी आपने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा तिरछा कर दिया। जैसे ही आप इसे थोड़ा सा तिरछा करेंगे आपको इसमें बुलबुले जो होंगे वो उठते हुए दिखेंगे, बुलबुले उठते हुए दिखेंगे आप, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है, ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है
ये खाली बोतल के अंदर क्या है भाई? एयर है। कोई भी चीज खाली होगी तो उसका मतलब वो खाली नहीं है, उसके अंदर क्या है? वायु है। कोई भी चीज कभी भी खाली नहीं होती हमारे आसपास, ठीक है? उसके अंदर क्या रहती है? एयर, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है। और वो जब हमने इस एक्सपेरिमेंट करा तो बुलबुलों के रूप में ये एयर या ये वायु जो है वो बाहर आ गई। तो कोई भी चीज खाली नहीं होता है, कोई भी बर्तन खाली नहीं होता है, उसके अंदर क्या रहती है? उसके अंदर एयर रहती है, उसके अंदर वायु रहती है। इस एक्टिविटी से, इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये चीज देखी है, ठीक है? समझ में आ गया? चलिए, तो कुछ चीजें हम लोग जो अब तक हमने समझी है, तीन चीजें हमने समझी। पहली चीज कि एक वेदर कॉक क्या करता है, मौसम की जानकारी देता है, दिशा बताता है कि हवा किस तरफ चल रही है, उसके आधार पर हम मौसम चेक कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने देखा कि जो कोई भी चीज है, कोई भी बोतल है, कोई भी बर्तन है, वो कभी भी खाली नहीं होता, उसके अंदर एयर रहती है, और उसके लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है? यहां तक बातें समझ में आ गई? चलिए अब कुछ बातें लिखते हैं, वो जो हमने सीखा अब लिखते हैं। चलो चलिए, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, यानी कि हवा या वायु हमारे चारों तरफ उपस्थित होती है। वायु हमारे चारों तरफ उपस्थित होती है, ठीक है? और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अभी अभी वेदर कॉक पढ़ा था ना, एक मुर्गा था, उसके नीचे एरो बना हुआ था। तो ये वेदर कॉक क्या करता है? ये वेदर कॉक हमको जानकारी देता है, किस चीज की? इट शोज द डायरेक्शन, ये हमको उस दिशा की जानकारी देता है, इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस। इट शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस, उस जगह पर जो हवा है उसकी डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, इसकी जानकारी हमको कौन देता है? वेदर क्लॉक देता है, ठीक है? वेदर कॉक देता है, ठीक? तो ये चीजें हमने अब तक पढ़ी है। आई होप यहां तक की बातें आपके समझ में आई होंगी। इनको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर हम और कुछ चीजों को भी। चलिए, तो यहां तक आपने लिख लिया होगा, उसके बाद एक और पॉइंट लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम जो बात लिख रहे हैं वो ये है कि एयर, एयर के बारे में लिखे हम, ठीक है? एयर के बारे में, एयर क्या होती है? एयर प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, फर्स्ट वन इज, फर्स्ट वन इज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब वायु जो है जगह घेरती है, उसको जगह चाहिए होती है, ठीक है? वायु को क्या चाहिए होती है? जगह चाहिए होती है। तो कोई भी खाली जगह है वहां पर वायु ने अपनी जगह बना रखी होगी, ये बात को आप मान के चलना, ठीक है? एयर ऑक्यूपाइड स्पेस। हमें ये दिखाई नहीं देती क्योंकि ये पारदर्शी होती है, इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज ट्रांसपेरेंट, वी कैन नॉट सी इट,
हमारे चारों तरफ होती है बट हम उसे देख नहीं सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखेंगे इसमें ही डेफिनेशन ऑफ एटमोस्फेयर। जो एयर है हमारे चारों तरफ बच्चों, वो हमारी जमीन से लेकर बहुत ऊपर आसमान तक फैली होती है, ठीक है। द थिन, नहीं ऐसे लिखो, द अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है, इज सराउंडेड बाय, इसके चारों तरफ क्या है, सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर, एक वायु की छोटी सी परत है हमारी पृथ्वी के चारों तरफ, विच एक्सटेंड, जो कि फैली हुई है, कहां तक फैली हुई है, विच एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर, मैनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, और इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एटमोस्फेयर, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एटमोस्फेयर। ये जो पूरा सरफेस है, पूरा एरिया है जिसमें हवा फैली हुई है हमारे चारों तरफ, ये पूरी हवा की लेयर है, एयर की लेयर है, इसको हम कहते हैं एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, आप कहेंगे हमारे चारों तरफ जो वायु है, हवा है, उसकी एक पतली सी लेयर है, और ये बहुत ऊपर तक, कई किलोमीटर ऊपर हमारी पृथ्वी जमीन से और कई किलोमीटर ऊपर आसमान तक फैली हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, एटमोस्फेयर कहते हैं, ठीक है, एटमोस्फेयर कहते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए। तो उम्मीद है आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, जो बातें आपको बताई वो आपकी समझ में आई होंगी, आपने लिखी होंगी कॉपी में, आपको समझ में आया होगा। घर से एक बार इनको याद करके जरूर आएं। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस।